कोई बंदा सामने तो आवे, मैं वहीं पे बैठा हूँ सर जी पास, कोई नहीं आता यार नगर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रहते तो मैं हो रहा हूँ वहाँ पर, मैं घर परिवार छोड़कर, मुझे उस आशा जैसा की नहीं चिंता है, मुझे अगली आशा जैसा चिंता है कि ताकि सोया जी बंधु पर ऐसा कोई बहन बेटी पर नजर न उठा कर देख सके, मैं इसलिए बैठा हूँ। अगर होती चिंता बेटियों की तो आप भी आगे आते, अगर होती चिंता बेटी के मरने की तो आप भी आगे आते, अगर होती बेटियों की चिंता कि उसकी ज़िंदगी बचा ली जाए और उसका फिर दोबारा किसी के साथ ना हो तो आप भी आगे आते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मैटर की जिस मैटर का नाम है आशा जायसवाल कांड। तो मैं गाजीपुर की धरती से तब तक कदम नहीं निकालूंगा जब तक इस समस्या का समाधान ना हो जाए, और मैं ऐसा करूंगा, लेकिन न्याय मिलेगा इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आशा जायसवाल कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि आशा जायसवाल की शादी मधुर तरंग होटल के मालिक से कुछ दिनों पहले हुई थी। धीरे धीरे सब कुछ सही रहा और धीरे धीरे सब कुछ सही होने के बाद ऐसा हुआ कि उसको न्याय नहीं मिल पाया। 302-376 का मुजरिम तक ठहरा दिया गया, लेकिन आज भी अपराधी बाहर घूम रहा है। बताया जा रहा है कि एक अपराधी जेल में बंद है और लोग फरार चल रहे हैं। लगातार एक समाज सेवी जिसका नाम है बोधा जायसवाल, जो भ्रष्टाचार संगठन के प्रति एक्टिव रहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते हैं, उनका कहना है कि मैं लड़ता हूं तो सिर्फ आशा जायसवाल के लिए नहीं बल्कि और भी दूसरों के लिए मैं लड़ रहा हूं। थोड़ा सा वीडियो में देखिए उन्होंने कहा क्या है। हमने ये अनशन 3 बार किया। पहला अनशन हुआ 5 जुलाई को, बहन बेटी आशा की हत्या 5 जून को हुई थी। हम लोगों ने 5 जुलाई को न्याय न मिलने के कारण अनशन किया। 2 दिन बाद तहसीलदार महोदय आ रहे हैं तो उन्होंने 1 महीना का समय मांगा, हमने 1.5 महीना समय दिया। फिर उसके बाद 20 अगस्त को हमने अनशन किया, वो भी 2 दिन चला। एसडीएम एडिशनल एसपी ने आकर के 7 दिन का समय मांगा, हमने दिया। हमने सोशल मीडिया पर डाला था पूरे जनपद वासियों को खुली चुनौती दे रखा था कि कोई भी जनपद में हमारा भाई बंधु हो, कोई नेता हो, कोई अधिकारी हो, मैं सरजू पार्क में बैठ रहा हूँ खुली बैठक करके। यदि बेटी आशा जायसवाल दोषी है तो उसको भगवान ने सजा दे दिया है जी, क्योंकि फांसी से ऊपर कोई सजा नहीं है। जिसको फांसी मिल चुकी है तो उसके बाद कोई सजा नहीं है। यदि हमारे बिरादरी के स्वजाति बंधु उदय प्रताप जायसवाल जी यदि निर्दोष हैं तो उन्हें बरी किया जाए, लेकिन कोई बंदा सामने तो आवे मैं वहीं पर बैठा हूँ सर जी पार्क में, कोई नहीं आता यार नगर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रहते तो मैं हो रहा हूँ वहाँ पर, मैं घर परिवार छोड़कर, मुझे उस आशा जैसा की नहीं चिंता है, मुझे अगली आशा जैसा चिंता है कि ताकि सोया जी बंधु पर ऐसा कोई बहन बेटी पर नजर न उठा कर देख सके, मैं इसलिए बैठा हूँ।